हेलो एवरीवन, आज के स्टूडियो में हमने बात करना है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर नई तालीम के पेपर के बारे में। आज हम देखेंगे नई तालीम का जो PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंस है, ताकि आप उस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें। और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जितना हम बताएंगे उतना ही आपको पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू। अगर हम बात करें 2021 के पेपर के बारे में, जो कि मई और जून में हुआ था, तो वहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे, और जैसा कि 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होना है और हर क्वेश्चन जो रहेगा 16 मार्क्स का, 5 यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो यूनिट 1 से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था नई तालीम की और धारणा को समझाते हुए इसके उद्देश्य और क्षेत्र की विस्तार से चर्चा कीजिए। और ये इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इस बार 2024 में ही पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको पढ़ना ही है, स्किप नहीं कर सकते हैं। इसके और में अगर हम देखें तो यहाँ पे नवीन पाठ्यक्रम यानी कि NCF के बारे में, NCF 2005 के बारे में पूछा गया है। तो ये दो क्वेश्चन जो है इस यूनिट से आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, इसे बिल्कुल पढ़िएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है RTE 2009, इसे भी इसके बैकअप में आप पढ़ सकते हैं। वैसे इस यूनिट से नई तालीम की जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आ रहा है एग्जाम में इस बार। अगर हम देखें यूनिट 2 से, तो यहाँ आपको नजर आएगा यूनिट 2। यूनिट 2 से हमारे पास है क्वेश्चन गांधीवादी विचार को समझाते हुए उनके दर्शन और शिक्षा के लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए, यानी कि महात्मा गांधी का जो वर्धा शिक्षा योजना था, बुनियादी शिक्षा जिसे कहा जाता है, और साथ में उनके लाइफ के बारे में डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है। और इसके जो अथवा में रचनावादी की अवधारणा को विस्तारपूर्वक समझाइए। रचनावादी जहाँ तक मुझे लगता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, आप रचनावाद चाहें तो पढ़ सकते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यथार्थवाद और प्रगतिवाद के साथ जाएं। यथार्थवाद और प्रगतिवाद ये दो कर लें, और रचनावाद भी अगर चाहें तो कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ से, कुल मिला के 4 क्वेश्चन यूनिट 2 से बनते हैं, गांधीवादी विचारधारा, यथार्थवाद, रचनावाद और प्रगतिवाद। बाकी इसके अलावा ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यूनिट अगर 3 की बात अगर हम करें, यूनिट 3 में यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है स्वयं सहायता समूह की उत्पत्ति अवधारणा उद्देश्य को विस्तारपूर्वक लिखी है। स्वयं सहायता समूह बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं कहूँ अपने हिसाब से तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ने वाला। और इसके अथवा में समुदाय कर बताते हुए सामुदायिक सहभागिता के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे कम्युनिटी को एक्सप्लेन करना है और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस को बताना है। लिटिल बिट ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट वाले से ज़्यादा, बट यहाँ पे आप समुदाय के साथ जाइए यूनिट 3 से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यूनिट 4 के बारे में बात करें तो यहाँ पे प्रयोगात्मक शिक्षा की आवश्यकता और विशेषताओं को समझाइए। इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिएगा, जहाँ तक मुझे लगता है इस क्वेश्चन को आप ना ही पढ़ें तो बेहतर है। इसके अलावा ग्रामीण शिक्षा के विकास योजनाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ग्रामीण शिक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा ही डिटेल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप 2 कर सकते हैं इस यूनिट से। अगर यूनिट 5 के बारे में बात करें तो बेसिकली 5 नंबर का जो क्वेश्चन है इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में है। ये बिल्कुल आपको इसमें डिफरेंस पूछा है, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए दोनों के बारे में, संक्रामक और असंक्रामक रोगों के बारे में, तो ये ज़रूर आएगा इस बार। इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के रूप में दिया है, पहला क्वेश्चन आपका बैलेंस डाइट है, इम्पॉर्टेंट है, दूसरा फर्स्ट एड इम्पॉर्टेंट है, तीसरा पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन है। यूनिट 5 से आपको सिर्फ यही 4 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, इसी 4 में से वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों दे सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास थे नई तालीम का क्वेश्चन पेपर था 2021 का था, तो अब देख सकते हैं 21 में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 2024 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से क्वेश्चन हैं नई तालीम के, और इसके बाद हम देखेंगे शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में कौन सा इम्पोर्टेंस है,
और उसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें हम बात करेंगे पैडागोजी और बायोलॉजिकल साइंस के बारे में कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।